एक अच्छा नाव में सामाजिक विज्ञान विषय की आज पॉलिसी डी आप लोग के बीच जा रही है। आप लोग इसे देखें और इसे पढ़ें। आपका पहला चैप्टर है एक पहला सब्जेक्ट है फ्रांस की क्रांति। समकालीन विश्व में जो राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं उसमें फ्रांस की क्रांति 1789 में ईस्वी में हुई थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो फ्रांस की क्रांति, फ्रांस जो यूरोप महाद्वीप का देश है और देश में 1789 में क्रांति हुई थी, लेकिन आप इसे क्रांति किसे कहते हैं? क्रांति से पहले एक विषय है कि क्रांति किसे कहते हैं। देखिए, जनता को जब सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परंपराओं और विचारधाराओं के अंतर्गत रहना असह हो जाता है कि इस परंपराओं के विरुद्ध जो तीव्र विस्फोट होता है और सारी परंपराएं प्रथाएं नष्ट जाती हैं, इसके बाद लाए गए आमूलचूल परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। या दूसरे शब्द, बिगड़ी हुई स्थिति में तीव्र गति से परिवर्तन की दशा का नाम भी क्रांति। या दूसरे शब्द में ये भी कहते हैं, ऐसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि अकस्मात अचानक अनायास तीव्र गति से शांतिपूर्ण या खूनी सत्ता परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। ये तो रही क्रांति की परिभाषा। देखिए, 1789 ईस्वी में जो रूस फ्रांस में क्रांति हुई थी उस फ्रांस का शासक था लुई सुलावा, और लुई सुलावा के शासन काल में यह क्रांति हुई थी। यह क्रांति 18वीं सदी की विश्व इतिहास की एक महानतम घटना थी जिसने संसार को स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का संदेश दिया था। देखिए, फ्रांस में 18वीं शताब्दी में एक लंबे समय जो शासन व्यवस्था सड़ी गली शासन व्यवस्था चली आ रही थी, इसी शासन व्यवस्था का नाम था पुरातन शासन व्यवस्था। इस पुरातन शासन व्यवस्था से फ्रांस की जनता उठ चुकी थी और 1789 ईस्वी में राजा लुई सुलावा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो इसे कारण में पहला कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में उस समय फ्रांस का समाज तीन भागों में डिवाइड था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा जनसाधारण वर्ग। देखिए, पादरी वर्ग पादरी वर्ग में पुरोहित और पादरी तथा उच्च धर्माधिकारी लोग आते थे फ्रांसीसी समाज के, जिनकी संख्या टोटल पॉपुलेशन में
लगभग 1,30,000 के नियर अबाउट थी। इन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था, ये लोग बड़े धनवान थे, बड़े बड़े जागीरों के मालिक थे, ये लोग भोग विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, ये लोग करों से मुक्त थे। विशेषाधिकार के कारण इनका चारित्रिक और नैतिक पतन भी हो रहा, इसलिए फ्रांस के जनसाधारण वर्ग के जनता के लिए घृणा का केंद्र बन गया। दूसरा पॉइंट था कुलीन वर्ग। देखिए कुलीन वर्ग में सामंत, राज परिवार और चर्च के अधिकारी आते थे। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के नियर अबाउट थी, उनमें इनकी संख्या 4 लाख के नियर अबाउट थी। ये लोग इन लोगों को भी विशेषाधिकार प्राप्त था। विशेषाधिकार के कारण ये लोग भी जनसाधारण वर्ग का शोषण कर रहे थे, जनसाधारण वर्ग का घृणा का केंद्र बने हुए थे। और इतना ही नहीं, सेना में, चर्च में जो भी प्रशासनिक पद था, सारा पद इन लोगों के लिए सुरक्षित था। इससे भी यह कुलीन वर्ग भी जनसाधारण वर्ग के घृणा का केंद्र था। तीसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, तीसरा वर्ग जनसाधारण वर्ग। जनसाधारण वर्ग 3 भाग में डिवाइड था। टोटल पॉपुलेशन का 95% आबादी जनसाधारण वर्ग और यह वर्ग 3 भाग में डिवाइड। पहला था मध्यम वर्ग, दूसरा था किसान वर्ग, तीसरा था मजदूर वर्ग। देखिए मध्यम वर्ग में शिक्षित वर्ग, जिसमें लेखक, वकील, जज, प्रोफेसर, बैंक कर्मचारी, व्यापारी, ये लोग कड़े मेहनत मशक्कत परिश्रम करके धनोपार्जन तो करते थे, धनवान भी थे, लेकिन फ्रांसीसी समाज में इनको सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के सामने इनका कोई मत नहीं। ये लोग ही क्रांति का मुख्य कारण बने, जो पादरी और कुलीन वर्ग के लिए घृणा का केंद्र बने। इन लोगों के अंदर पर सोच की ज्वाला धधक रही थी और धधक करके जो क्रांति का रूप धारण किया। दूसरा वर्ग था किसान वर्ग, यह टोटल जनसाधारण वर्ग 80% इनकी आबादी थी। जनसाधारण वर्ग में 80% इनकी आबादी थी जो किसान थे, कृषक। इसमें कुछ किसानों के पास भूमि थी और कुछ किसान के पास अगर भूमि भी थी तो बहुत कम थी, और ज्यादा किसान भूमिहीन थे, जिन्हें जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करना पड़ता था और उनके आमदनी का 1/10 हिस्सा राजकोष में देना पड़ता था कर के रूप में, जमींदार को उपहार देना पड़ता था। इसके अलावा चर्च को भी धन देना पड़ता था। उसके ऊपर से करों का इतना बोझ था कि इनकी हाल बेहाल काफी परेशान। तीसरा था मजदूर वर्ग, जिनके पास सेवा करने के सिवा कोई साधन नहीं, मजदूरी के सिवा कोई साधन नहीं। इनकी टोटल संख्या 4 लाख के नियर अबाउट, 5 लाख के नियर अबाउट, 4-5 लाख, लगभग 4 लाख। मजदूरी के सिवा जीवन को पालने का कोई साधन नहीं, मजदूरी करना और मजदूरी के द्वारा यह जीवन को पालन करना, या अगर चाहें कि अपनी मजदूरी या नौकरी छोड़कर एक मालिक से दूसरे मालिक के पास चला जाओ, यह इनकी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं। जब तक वह मालिक इन्हें छोड़ेगा नहीं, तब तक यह छोड़कर दूसरे मालिक के पास जा नहीं सकते,
इस तरह से पराधीन थे, परतम एक तरह से समझ लीजिए गुलामी प्रथा के समान। तो यह जो पादरी वर्ग का कुलीन वर्ग था पूरा का पूरा फ्रांसीसी समाज में उच्च वर्ग था और यह निम्न वर्ग के लिए घृणा का केंद्र बना और क्रांति का सबसे बड़ा लीडर ये बना। दूसरा पॉइंट है राजनैतिक कांड। देखिए राजनैतिक कांड भी फ्रांस क्रांति का एक अहम कांड है जिसका पहला पॉइंट है निरंकुश शासन। देखिए फ्रांस का जो शासन है पहले बता दिया हूं जो लुई सोलावा था वह बड़ा एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन वह जनता के हितों का कोई ध्यान नहीं देता, उनके सुख दुख पर कोई ध्यान नहीं देता था, अधिक से अधिक कर वसूल करके भोग विलासता ठाट बार शान सौगत की जिंदगी जीता था। ऐसी दशा में जनता ऐसे कठोर शासन व्यवस्था से ऊब चुकी थी और इस निरंकुश शासन व्यवस्था को से निजात पाना चाहती थी। दूसरा रीजन था सैनिक असंतोष। देखिए लुई सोलावा अपने सेना को अपने सैनिकों को हमेशा युद्ध में लगाए रहता और सैनिक युद्ध में लगे रहने से उब गए थे क्योंकि आए दिन उनके आपके सामने रक्तपात होता था, रक्तपात होता था, बहुत से लोग मारे जाते थे। ऐसी व्यवस्था से वो निजात पाना चाहते थे। तो यह सैनिकों का असंतोष फ्रांस की क्रांति का भी एक अहम कारण जो राजा लुई सोलावा के विरोध विद्रोह का विरोध है। अगला है दोषपूर्ण शासन क्रम तीसरा पॉइंट। देखिए फ्रांस की शासन व्यवस्था में इतना बड़ा दोष था कुप्रबंध था कि अलग अलग न्यायालय और अलग अलग कानून अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहानी चरितार्थ होती है। राजा लुई सोलावा की शासन व्यवस्था में जो धर्मान वर्ग का साधन संपन्न वर्ग का उजित पति वर्ग का जो भी न्यायालय से फैसला होना वह उनके पक्ष में था। मैं पहले बोल दिया अलग अलग न्यायालय और अलग अलग कानून जहां जैसी उनकी जरूरत थी अपने अनुरूप बनाए। ऐसी शासन व्यवस्था से जनता पूर्ण रूप से उठी और इसका परिणाम 1789 ईस्वी में राजा लुई सोलावा के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति का बिगुल बजा, फ्रांस की जनता आंदोलित हुई। शेष अगले थी।